बहुत गंदी है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? नाम 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 नाम। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। डब्लू उठो। वो क्या कर रहा है? वो कितना अजीब सा है। ओ यार, ओह ये बब्बू कैसे आ रही है? भाई भाई तुम जमीन पे क्यों सोए हो? मुझे कुछ नहीं हो रही है, मुझे भूख लगी है, ये खाने का समय है। मुझे इतनी कुछ नहीं की हो रही है, बस यहीं पे। डब्लू तुम कहाँ हो? मैं ये पत्थर के तकिए के बारे में भूल गया था। मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर देता हूँ, मैं इसे फेंक दूंगा। डब्लू क्या हो तुम? मैंने तुम्हारी परेशानी खत्म कर दी है। मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर आया था। क्या क्या गायब है बोलो? किसी ने मेरा तकिया ले लिया। वो गंदा पत्थर? एक मिनट, वो गंदा पत्थर जो वहाँ रखा था किसी ने उसे चुरा लिया और उसके बदले में दूसरा चोर दिया। भाई उसकी बदबू एकदम कचरे जैसी थी। तुम्हारा मतलब? हाँ मैंने उसे फेंक दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? उसके बिना मैं चोर नहीं सकता। रुक जाओ डब्लू। ये नहीं है, ये भी नहीं। कौन है वहाँ? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मुझे लगा कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गए। तुम उस पत्थर को लेकर बहुत उत्तेजित लग रहे हो ना? मुझे वो चाहिए। दे दो मुझे। तुम्हारे पास 5 सेकंड है। अलविदा। उसे छूना बंद करो। बस उसका गर्म रखा है। तुम मुझे जानते हो? वो रखा वो मेरा खास पत्थर है। अब वो मेरा है, समझे? भाई भाई भाई। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे से टॉफी चुरा ली मैंने। इस अजीब से पत्थर में क्या खास है आखिर? ओ यार ये तो बहुत बदबूदार है। रुको, हो सकता है ये किसी और के लिए कुछ मायने रखता हो। तुम ये कर सकते हो लखा? भाई तकिया लखा ने मेरी नाक का नीचे से मेरा तकिया चुरा लिया। भाई शांत हो जाओ, मैं वो तुम्हारे लिए वापस ले आऊंगा। मेरा मतलब कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। भाई तुम कितना अच्छा हो। मुझे कुछ नहीं हो रही है, अब इस बात में भूल जाओ, हमें तकिया बचाना है। भाई चल जाओ। ये अजीब बात है, लक्का कहाँ है? ये तो बहुत अच्छा मौका है भाई। हम कर सकते, ये गलत है। उसने मुझसे पहला चुराया था, मुझे बस मेरा तकिया चाहिए बस। ठीक है, ध्यान से। हे डब्लू, ओ उसको शायद पता चल जाए हम यहाँ पे हैं।
क्या तुम्हें वो मिला? अभी नहीं, अभी कुछ ऐसा वैसा खेलने का समय नहीं है। वो यहाँ नहीं है। छोटे मुझे माफ कर दो। मेरा टके मिल गया। पकड़ लिया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। छोटे उठो, छोटे उठो। क्या हुआ? तुम उठ गए? टपले लौका बोल का? क्या कहा तुमने? वो पत्थर अब तुम्हारा नहीं रहा, समझे? आप इसे बाहर लगा दो। इसमें ऐसा खास है क्या? इसमें कोई खजाना छुपा हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये जी मैं तकिया है, मैं इसे सोने के लिए इस्तेमाल करता हूँ बस, और कभी कभी गले लगाने के लिए भी। मेरी तरह देखो, मैं क्या बेवकूफ दिखाई देता हूँ? सच बताओ मुझे। मैं सच बोल रहा हूँ, ये एक साधारण सा तकिया है बस, मेरे भाई को इसकी बदबू पसंद नहीं आई तो उससे छुटकारा पाने के लिए भाई ने जंगल में फेंक दिया। हेलो गोलमोल सर, मेरे पास आपके लिए कुछ है, दो भालू। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रुको, ठीक है हम बता दे। ठीक है बोलो। तुम सही थे, तुम देखो ये पक्का अमूल्य है। और अरे यार ऐसा लगता है तुम टाल रहे हो, है ना? पता लिखो। अरे नहीं, अरे नहीं, कुछ तो करो भाई। रुको, ठीक है ठीक है। तो देखो, तुम एक नसीबदार आदमी हो क्योंकि वो पत्थर सच में आसमान से आया है। वो वहाँ गिरा था, ऊपर आसमान से आया था, समझ में आया? हमें लगा वो बारिश से भी तेज नीचे गिर रहे थे। आसमान से? फिर तो इसका मूल्य बहुत ज्यादा होगा। दूसरे ग्रह के प्राणी पहले से ही पृथ्वी को कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शायद ये एलियन वाला कचरा ही हो। छोटा साबित हुआ तो देख लेना। मैं वादा करता हूँ, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ लक्का, ये एकदम जादू है। इसके कान में बोलो और तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। चलो कोशिश करके देखो, एक बार कोशिश करके देखो। सच में? हाँ सच में। पत्थर को बार बार अपनी इच्छा बताते रहो, कम से कम 50 बार। हाँ ये एकदम सच है। हाँ, मैंने भी देखा। उसने एकदम मस्त तकिया की मांग की थी और उसे मिल गया, वो सब कुछ भूल गया। मेरे पास खोने के लिए क्या है? कोशिश तो कर ही सकता हूँ, और अगर वो झूठ बोल रहे होंगे तो मैं उन्हें सर्कस में भेज दूंगा। मुझे पता था इस पत्थर में कुछ तो खास है। तो मेरी ख्वाहिश है श्रीमान लखा जी, तुम्हें इसे पहले पकड़ना पड़ेगा। क्या बदबूदार, इसे पकड़ना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, अच्छे से पकड़ो। अरे बाप रे, इसे अपने मुंह से लगाओ। पैसा और मुझसे नहीं हो रहा, बहुत बदबू आ रही है। तुम कर सकते हो लखा। ये काम कर रहा है। ठीक है, ये फिर से काम कर रहा है भाई। हाँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम्हारा पत्थर हमें मदद करेगा इस खुजली से बचने में। तुम कितना दिमाग वाले हो भाई, मजा आ गया। ये देखो। अब क्या है? वादा करो तुम रोज इसे साफ करोगे, समझे तुम? मैं पक्का वादा करता हूँ, सच में। ये लो। मैं तब तक अमीर नहीं बन सकता जब तक वो भालू यहाँ है। जिंदगी बहुत कठिन है।
अरे कौन फोन कर रहा है क्या? हेलो सर, मुझे ये बता मेरी लकड़ियाँ कहाँ है? वो दरअसल अपनी नौकरी की पड़ी है कि नहीं? हेलो हेलो, क्या हेलो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हेलो बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। मम्मी मम्मी, कैसी हो मम्मी? बेटा मुझे पता है तुम बहुत मेहनत करते हो, पर अपना ध्यान रखना। अरे चिंता मत करो मम्मी, मैं सब्जियाँ अच्छे से खाता हूँ। तुम्हें पता है कल क्या तारीख है बेटे? कल तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन? अरे हाँ बेटा, क्या तुम लाइन पर हो? अरे हाँ मम्मी, मैं यही हूँ, यही हूँ। मैं भूल गया था, कल मेरा जन्मदिन है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती बेटा, अपने आप को एक अच्छी सी पार्टी देना, ठीक है? क्यों मेरा एक भी दोस्त क्यों नहीं है? काश मेरे भी दोस्त होते जो मेरे लिए पार्टी रखते हैं, एक बड़ी वाली, कितना अच्छा होता ना। मुझे लगता है मुझे काम पर वापस जाना चाहिए। बिल्ले, वो कहाँ जा रहा है? मुझे पता लगाना होगा। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। समझ में नहीं आ रही ये लोग करना क्या चाहते हैं। अरे वाह, बिल्ले को पता होना चाहिए कि मुझे पार्टी चाहिए और वो बालों की मदद ले रहा है। बिल्ला कितना अच्छा है। मुझे लगता है मेरे दोस्त तो हैं, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है। चलो ठीक है फिर, वो मुझे पार्टी के बारे में बताना नहीं चाहते, मैं भी ऐसे जताऊंगा मुझे कुछ पता ही नहीं है। हाँ मैं कितना उत्तेजित हो रहा हूँ, सच में मेरे इतने दोस्त है। बिल्ले कितनी प्यारी सुबह है ना। तुम इसे कुछ छुपा रहे हो क्या? ये कोई तोहफा है क्या जो तुम मुझे जन्मदिन के लिए दे रहे हो? धन्यवाद बिल्ले, तुम कितने अच्छे हो। आओ तुम बिल्ला, कुछ नहीं लग रहा है, शायद वो तोहफे के बारे में बताना नहीं चाहता था, मैंने सब बर्बाद कर दिया। वैसे मुझे काम पर चलना चाहिए, ठीक है? मैं जाता हूँ अब। पता नहीं उन जानवरों ने किस तरह की पार्टी रखी होगी मेरे लिए। अरे नहीं, मुझे सबको बताना होगा। वाम नाम नाम। छोटे, अपने आप को काबू में रखो, ये अभी तक क्यों नहीं आया? बाय, अगर हम ऐसे इंतजार करते रहे तो केक का स्वाद बिगड़ जाएगा। चलो उसे थोड़ा और समय देते हैं, पता नहीं चिरकुट को सरप्राइज पसंद आएगा कि नहीं। क्या पता, डब्लू चिरकुट का जन्मदिन आने वाला है, पर मुझे शक है उस उल्लू को खुद को भी याद नहीं होगा कि नहीं। मैं समझ गया, क्यों ना हम उसे एक सरप्राइज पार्टी दें। यह एक अच्छी तरकीब है, सरप्राइज में मजा आता है। पर हमें उसे क्या तोहफा देना चाहिए? मुझे पता है भाई, चिरकुट हमेशा से एक सुंदर बोल पंख चाहता था। वाह, इन फूलों को देखो। ये पुराने पंख बहुत गंदे हैं। काश मेरे पास भी सुंदर पंख होते मोर की तरह। ओ सच में, यहाँ पास में फार्म है जिसके बहुत सारे मोर हैं, बहुत सारे, और हम शायद वहाँ लोगों को डराते अगर हम उनके पास गए तो। छोटे समझ गया। ये क्या है? ठीक है बिल्ले, हम तुम्हें यहाँ हमारी मदद के लिए लाए हैं। मेरी मदद? सही है, और बदले में हम तुम्हें बहुत सारी मछलियाँ देंगे। तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ, बोलो। शायद ये भूल गया वो कैसे दिखते हैं। बबलू बबलू, तो तुम्हें पता चला? पंख पंख लक्खा ने ले लिया था। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, आज लक्खा का भी जन्मदिन है। जब उसने देखा तो उसे लगा कि वो पंख उसके लिए है और उसने रख लिया, और अब उसे लग रहा है कि ये छोटी सी पार्टी जो तुम प्लान कर रहे हो वो भी उसके लिए है, वो किसी भी समय यहाँ आता होगा। अब क्या करें बेचारा चिरकुट।
हेलो, कैसे हो मेरे दोस्तों? तो क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी मदद चाहिए? छोटे, हमारे पास समय नहीं है। चलो वैसा व्यवहार करते हैं कि जैसे लखा के लिए पार्टी रखी गई है, और इस तरह हम उससे वो मोर पंख वापस ले सकते हैं। तुम तैयार हो? हमारे पास तुम्हारे पता था तुम लोग मेरे लिए ये कर रहे हो। ठीक है, सब तैयार है। चलो अब जन्मदिन का गाना गाएं। अब वो म्यूजिक चलाओ जल्दी। चिरकुट तो नहीं है? सुनो बाबू, म्यूजिक बजाओ। ठीक है। बाबू को बोलो कि आवाज धीमी करे। इसे नीचे रखो वरना चिरकुट सुन लेगा। सुना? ठीक है। मुझे नहीं पता था जानवर मेरा जन्मदिन मनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। वाला होना चाहिए था ना। हमें लखा को कहीं लेके जाना पड़ेगा। चिरकुट आ रहा है। ठीक है, समय लखा को तोहफा देने का। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग कितने दयालु हो। ठीक है राजा, सुनो। कुछ भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलेगा। ये लो। मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद धन्यवाद। तुम इसको तोहफा बोलते हो? कितना भैया तोहफा है। कम से कम एक केक तो लाना चाहिए था ना। वो रहा केक। ये तो बस जानवर है, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। अगर मैं इन्हें दुखी लगा तो इनका प्यारा सा दिल टूट जाएगा। चलो केक खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। समय आ गया है केक खाने का। अरे हाँ, खा सकते हैं। पर क्यों नहीं? ये केक नहीं है, ये गलत है। क्या बात कर रहे हो? तुम ये केक नहीं खा सकते, वरना तुम कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाओगे। ये बहुत बड़ा सरदर्द है। ठीक है, केक तैयार है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत सालों से मैंने जन्मदिन का केक नहीं खाया है। मैं तो तुम सबको दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। चलो एक जन्मदिन की मन्नत मांगो। मुझे कभी पता नहीं था ये लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं। मेरे इतने दोस्त हैं। देखो चिरकुट आ गया है, आ गया है हमारा बर्थडे बॉय। हाय दोस्तों, सुना है तुम मुझसे मिलना चाहते थे। चिरकुट जन्मदिन मुबारक हो। हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। ओ सच में, मेरा जन्मदिन? मैं बिल्कुल भूल गया था। ओ, तुम सबको याद था। धन्यवाद दोस्तों। मतलब पार्टी मेरे लिए नहीं रखी गई थी? मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है? जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे लगता है कि हमने लगा के मन की बात सुन ले। ये क्या है? बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मिठाई भेजी है और घर पर बनाया हुआ सोडा भी, नए कपड़े भी। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? देखो मुझे मत मारना, जो भी चाहिए वो ले जाओ। हमें माफ कर दो, आज तुम्हारा जन्मदिन है, हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए था। तो हम सब यहाँ साथ में जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। केक कैसा है? तुम लोग धन्यवाद, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जन्मदिन मुबारक हो लखा।